नमस्कार किसान साथियों, मैं सहदेव महतवा। मेरे YouTube चैनल फार्मर टॉक में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे गेहूँ की उन्नत तकनीक, जो कि नया नया तकनीक वैज्ञानिकों ने ईजाद किया है। सबसे पहले इस तकनीक का प्रयोग वैज्ञानिकों ने धान की फसल में किया था, उसके परिणाम सकारात्मक आने के पश्चात वैज्ञानिकों ने गेहूँ की फसल में भी इसका प्रयोग किया है। सरकारें भी इस तकनीक को प्रोत्साहित कर रही है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत तकनीक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं 90% अपना जो पोषण है सूर्य की रोशनी से प्राप्त करता है, और बाकी 10% मिट्टी से जो भी पोषक तत्व है अपनी जड़ के माध्यम से पौधा ग्रहण करता है। तो किसानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो नई तकनीक है, सरकार किसानों को प्रोत्साहन कर रही है, वैज्ञानिक भी नई नई तकनीक से कम लागत के अंदर किसानों का मुनाफा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके तहत ये नई तकनीक आई है। सबसे पहले धान में इसका प्रयोग किया गया था, धान में इसके परिणाम बहुत सकारात्मक आए। उसके बाद वैज्ञानिक चाहते हैं कि गेहूँ में भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाए, तो वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को गेहूँ के अंदर भी ईजाद किए हैं, जिसके भी परिणाम बहुत सकारात्मक आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, 90% सूर्य से रोशनी ग्रहण करता है और 10% मिट्टी में जड़ के माध्यम से गेहूँ अपना पोषण प्राप्त करता है। तो सबसे पहले अपने खेत के अंदर आप गेहूँ को, जो गेहूँ का बीज है वो उच्च गुणवत्ता का बीज लें, उसको घर में सबसे पहले अंकुरण कर लें, उसको जाँच लें, अंकुरित करके हल्का मिट्टी ले लें थोड़ी सी, उसमें 2, 4, 5, 10 दाने जो भी है आपकी सुविधा के हिसाब से वो दाने डालें। 2, 4 दिन के अंदर उसका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण अगर अच्छा हो रहा है तो फिर उस बीज को आप प्रयोग लें, और घरेलू बीज काम में ले रहे हैं तो भी उसका अंकुरण चेक कर लें, और जहाँ दीमक की समस्या है वहाँ आप क्लोरोपाइरीफोस से या और भी इंसेक्टिसाइड आते हैं जिनसे आप उपचार कर सकते हैं, उपचार करके फिर अपने खेत में इसका प्रयोग करें। हम नई तकनीक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना जो गेहूं की फसल है उसको एक वर्गाकार आकार में पंक्ति के रूप में अपनी गेहूं का फसल को हल्के माध्यम से लगाएं, जिसमें एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के मध्य 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रहे, और ऐसे ही एक पौधे से दूसरे पौधे के मध्य आपको 8 से 10 सेंटीमीटर का दूरी रखना है, क्योंकि जब फसल बढ़वार करेगी तो सभी पत्तों को आराम से जो सूर्य की रोशनी है वो मिलती रहेगी। अगर आपने फसल घनी बो दी है या पंक्ति के रूप में नहीं बोई है या ज़्यादा संख्या में बो दी है, तो जो जैसे ही फसल बढ़वार करेगी उनके पत्तों को पूर्णतः सूर्य की रोशनी से जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल पाएगा। और जैसे ही आप फसल को इस माध्यम से बोते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर के मध्य पंक्ति में और पौधों दोनों में 8-10 मीटर का जो आप गैप रखेंगे, उससे कितने भी पौधे बड़े हो जाएंगे तो उनके पत्तों को सूर्य से रोशनी लेने में आसानी रहेगी, और वो अपना 90% पोषण है वो प्राप्त करते रहेंगे, 10% पोषण अपनी जमीन से प्राप्त कर लेंगे। ये दूरी है, आप अगर अनुपजाऊ है, कम उपजाऊ खेत है उसमें इस दूरी को कम कर सकते हैं, और उपजाऊ खेत है तो इस दूरी को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक से जब पौधों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो जो पत्ते हैं वो सूर्य से अधिक पोषण प्राप्त करेंगे, जड़ भी जमीन के अंदर दूर तक फैल जाएगी, उनको फैलने के लिए जगह मिलेगी, तो वो जमीन से भी अच्छा पोषण निकालेंगे अपने लिए। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल को समय पर बोना भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए सही समय पर बोना चाहिए, ना तो इसको जल्दी बोना चाहिए और ना ही इसको ज़्यादा लेट करना चाहिए। इसलिए मैं आपको समय बता रहा हूँ, आपको नवंबर से लेकर दिसंबर मध्य तक, यानी 1 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य आप अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं, जिससे कि फसल में आपका उत्पादन अच्छे से बढ़ेगा, और समय पर बुआई करना बेहद ही ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आप पंक्ति के रूप में और 8 से 10 सेंटीमीटर के मध्य जब अपने पौधों से इस तकनीक से आप खेती करेंगे तो आपको 2 से 3 बार अपनी जो नलाई करनी है, जिसे आप निनाण भी बोलते हैं, अगर उसको करेंगे तो आपकी ज़मीन के अंदर हवा का संचार अच्छे से होगा, और जिससे आप पौधे स्वस्थ होंगे और उनको पोषण भी अधिक मिलता रहेगा। इसके अलावा इस तकनीक को SWI, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन नाम से इस तकनीक को जाना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, किसान इसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको बीज भी कम लगेगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा। धन्यवाद।